हेलो गाइस, माय नेम इज़ भाविन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको बताने चाहूँगा ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स एंड रिव्यूज़ के बारे में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ओप्पो रेनो 5 प्रो का आउटलुक कैसा है, एक्चुअल में वो दिखता कैसा है लुक में। तो ये है ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G। जी हाँ, देखो आप बैक साइड खाले इसका, पीछे का सिंगल ग्लास सेटअप देख लीजिए, जिसमें पूरा सेटअप बिठाया हुआ है क्वाड कैमरे का। जहाँ पे यहाँ पे आपको मिल रहा है क्वाड कैमरा, नीचे की ओर आपको ओप्पो का ब्रांडिंग मिल जाएगा, और ब्लू कलर इसमें काफ़ी मतलब ब्लू कलर दिया हुआ है कि आप अलग अलग यहाँ पे सेट्स हो रहे हैं। आप देखोगे तो जैसे नॉर्मल ब्लू हो गया, यहाँ से स्लाइटली पर्पल कलर का सेट भी आ रहा है। सो फोन बेस्ट है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे मिलेगा H2H कर्व्ड डिस्प्ले। यहाँ पे नीचे की बात करें तो आपको टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, तो 3.5mm जैक का यहाँ पे ऑडियो ऑप्शन चला गया, आपको टाइप सी ईयरफोन के साथ ही यूज़ करने पड़ेंगे। ड्यूल सिम दिया हुआ है, बट मेमोरी कार्ड एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, बट आई थिंक 8120 इनफ है लोगों के लिए। सो फोन बेस्ट है प्राइस सेगमेंट में। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में यहाँ पे आपको मिल रहा है होल पंच कैमरा, और डिस्प्ले है H2S डिस्प्ले है। तो इसका ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और मैं यही वीडियो आपको अभी मेरी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आ जाइए मेरी स्क्रीन पर। या गाइस, तो ये है आपके सामने ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G के टोटल टेक स्पेक्स। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरा स्लाइड पे दिखाऊंगा। जैसे बात करते हैं टेक स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट्स कौन कौन से पॉइंट्स है, तो ड्यूल वीडियो मोड दिया हुआ है, AI हाईलाइट वीडियो दिया हुआ है, 65W का सुपर बुक 2.0 चार्जिंग और 3D बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन दिया हुआ है, एंड डायमेंसिटी 1000 प्लस का 5G चिपसेट मिल रहा है। तो बात करते हैं हम ड्यूल वीडियो मोड से। ड्यूल वीडियो मोड एक ऐसा मोड है जिसे आप देख लीजिए, ड्यूल वीडियो मोड ऑन किया, यहाँ पे मैं स्प्लिट मोड से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं नीचे जैसे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे राउंड शेप में भी वीडियो की, मैं बहुत कैमरा एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। और तीसरा इसमें ऑप्शन है वीडियो कॉलिंग टाइप का कैमरा स्क्वायर लुक में, जैसे मेरा फ्रंट एंड रियर दोनों बोथ साइड है और मैं दोनों रिकॉर्ड आराम से कर सकता हूँ। उसके बाद की हम बात करें यहाँ पे AI हाईलाइट वीडियो की, आप देख सकते हो कि नाइट में अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो सी द डिफरेंट कि नीचे वाली स्लाइड में AI हाईलाइट वीडियोज ऑन है और यहाँ पे आपको ऑन मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट कितना है। एंड देन बात करते हैं वीडियो पोर्ट्रेट मोड, या ये है जबरदस्त फीचर जिसमें ऑब्जेक्ट कलरफुल रहता है और बैकग्राउंड हो जाता है ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज डिफरेंट, आप नीचे वाली साइड में वापस देखो कि यहाँ पे ऑफ है, ऊपर ऑन है, तो आपके सामने डिफरेंट है। आप बता देना कमेंट में कि कौन कौन सा बेस्ट है, कौन सा खराब है। एंड देन बात करते हैं MediaTek Dimensity 1000 प्लस 5G चिपसेट की। जी हाँ, जहाँ पे 7 नैनोमीटर का Dimensity 1000 प्लस का 5G चिपसेट लगा हुआ है, जिसमें ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। एंड देन बात करते हैं यहाँ पे 65W सुपर वूक चार्जिंग 2.0 की, तो यहाँ पे 4350mAh का बैटरी मिल रहा है, जो खाली 30 मिनट्स में आपका 100% चार्ज करके देगा। इवन आप 5 मिनट चार्जिंग करोगे, यहाँ पे 4 घंटे का आपको वीडियो प्लेबैक मिलने वाला है। पहले आपने देखा होगा 20W का चार्जिंग था तो वो इतना टाइम लगाता था, फिर 30W का आया तो वहाँ पे 5 मिनट चार्ज करने में उतना टाइम लगता था। एंड देन अभी 65W चार्जिंग इन जस्ट 30 मिनट्स, 100% चार्ज करने में खाली 30 मिनट। आगे बात करते हैं कि आपका गेमिंग शॉर्टकट मोड, अगर आप गेमर हो, अगर आप गेमिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो और अगर आपने ये शॉर्टकट मोड ऑन कर दिया है तो आप खाली डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे दोनों को एक साथ प्ले किया, क्विक स्वाट अप हो गया ऊपर वाले स्लाइड में, जहाँ पे गेमिंग शॉर्टकट मोड ऑफ और ऑन है, और जहाँ पे ऑफ है वहाँ पे अभी भी पेज लोडिंग ले रहा है, तो आप देख सकते हो कि कितना फास्ट यहाँ पे आपको गेमिंग शॉर्टकट मोड का रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर बात करते हैं कलर वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिल रहा है 11.1 का कलर वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो, पर्सनल आपकी बोलते हैं ना कि लेआउट चेंज कर लीजिए, आप अपना डिस्प्ले का टेम्पलेट चेंज कर लीजिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो आप वॉच रखते हो वहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, हर एक चीज़ आप चेक कर सकते हो। लाइक मैं उसका एक्सपीरियंस आपको करवाता हूँ, जैसे आप कस्टमाइज पैनल है, यहाँ पे आपको हर एक टाइप की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की आपको कस्टमाइज चैनल मिल जाएगी, टच ओनली रख सकते हो, टच एंड इमेज रख सकते हो, एनालॉग क्लॉक रख सकते हो, एंड मच एंड मोर। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको चेंजेस मिल जाएंगे, आप अपने आइकॉन्स को स्मॉल राज अलग अलग शेप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद की बात करें तो न्यू सोल्यूशन फॉर मल्टीटास्किंग, एक लाइक व्हाट्सअप कर रहे हो और किसी को आपको इमेज भेजनी है, आप सीधा स्लाइड से आप ऑन करके उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, इंस्टेंटली वहाँ पे वो शेयर हो जाएगा। सो ये कंटिन्यूटली आपका बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन अप रहता है, तो इसकी वजह से आप इंस्टेंटली यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हो, है ना, बेहतरीन फ्यूचर ये भी। उसकी बात करें इसके कलर्स की, कि जैसे ब्रिलियंट डिज़ाइन, जैसे ब्लू कलर का मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखा दिया था कि ब्लू कलर कैसा दिख रहा है,
एंड देन इसमें ब्लैक कलर आता है वो है स्टेरी ब्लैक। स्टेरी ब्लैक कलर एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको डार्क ब्लैक कलर बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको मिल रहा है 90Hz का रिफ्रेश रेट। जी हाँ, यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, साथ ही में आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है 180Hz का। एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि यहाँ पे दो स्लाइड है, एक में 60Hz, एक में 90Hz। यहाँ पे आप देखोगे कि 60Hz में कितना फ्लिकरिंग और स्लो स्लो चल रहा है और यहाँ पे 90Hz में आपको फास्ट टच रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G के टोटल स्पेक्स के बारे में देख लेते हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा हॉल पंच डिस्प्ले के अंदर मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और रियर कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस दिया हुआ है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में यहाँ पे आपको मिलेगा 6.5 इंच का AMOLED स्क्रीन विथ 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे 24:1080 FHD प्लस का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, HDR10+ सर्टिफाइड रहेगा, SGS आइस ग्रेड डिस्प्ले का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। पावर एंड बैटरी की बात करें तो 65W का सुपर बुक 2.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, 4350mAh का यहाँ पे टाइपिकल बैटरी दिया हुआ है जिसको आप 5 मिनट चार्जिंग और 4 घंटे का वीडियो प्लेबैक ले सकते हो। कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 8GB का रैम दिया हुआ है और 128GB का स्टोरेज दिया हुआ है। साइज एंड वेट की बात करें तो यहाँ पे थिकनेस आपको दिया हुआ है 7.6mm, काफ़ी हद तक वो स्लिम बनाया हुआ है, और वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है, 173 ग्राम का यहाँ पे वेट है। चिपसेट है यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000+ 5G का। ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है गूगल ColorOS 11.1 Bell Zone 11। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।